हेलो। यस यस सर। सर। ओके ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था मेरा? क्वेश्चन था एक कंटिन्यूअस बीम था जिसपे एक एबीसी कंटिन्यूअस बीम था, अमृत। यस सर। ये क्वेश्चन तुम बनाए हो, ठीक है? ठीक है सर। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन तुम्हारा बना हुआ है। एक एबी सी डी एक कंटिन्यूअस बीम है। एबी पार्ट जो है वो यूडियल है, ठीक है? सब्जेक्टेड टू यूडियल ऑफ इंटेंसिटी 60 किलो न्यूटन पर मीटर एंड बीसी पार्ट इज सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड ऑफ इंटेंसिटी 90 किलो न्यूटन। दिस इज अपार्ट फ्रॉम 1 मीटर फ्रॉम बी, डिस्टेंस फ्रॉम बी इज 1 मीटर एंड डिस्टेंस फ्रॉम सी इज 2 मीटर एंड द पार्ट बी सी इज 5 मीटर लॉन्ग। And the question is to determine support moments and support reaction. Moments and support reaction. Okay. So first step में क्या करेंगे हम लोग? With the help of या we can say by स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड क्या करेंगे सबसे पहले? सर यील्ड एबी का मॉडल निकालेंगे। एबी एबी यस का क्या करेंगे अभी अमृत? सर एबी का निकालेंगे, उसके बाद बीए का निकालेंगे, फिर वैसे ही बीसी और सीबी का निकालेंगे। ओके 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है, देखते हैं क्या है। अमित अमृत बोलो। हेलो अमृत, यस सर। क्या करेंगे बोलो? तुम लोग आवाज क्यों बंद कर लेते हो बोल के? सर ए बी का निकालेंगे, वो क्या निकालेंगे अभी जो का? उस दिन फॉर्मूला बताया थे ना आप, उस दिन क्या निकालेंगे बोलो ना। वो तो भूल गए। चलो किसको याद है, ध्यान नहीं बताओ। सर मोमेंट फाइंड करेंगे। हाँ बट हाँ दीपा ठीक है, मोमेंट फाइंड करेंगे। कौन सा मोमेंट फाइंड करेंगे? देखो स्टेप फिक्स्ड बीम मोमेंट फिक्स्ड मोमेंट निकालेंगे। सर। हाँ फिक्स यस सर एंड ठीक। मोमेंट निकालेंगे, ठीक है? फिक्स एंड मोमेंट्स कैलकुलेट करेंगे। देन स्टेप सेकंड में मैं क्या करूंगा, स्टेप सेकंड में सपोर्ट मोमेंट्स निकालेंगे। सो फिक्स एंड मोमेंट्स हम लोग को मालूम है क्या होता है, देन सपोर्ट एंड्स का मोमेंट फॉर स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन के लिए अलग होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे फिक्स एंड मोमेंट्स। सो पार्ट ए बी के लिए एम ए बी क्या हो जाएगा, एम ए बी, उसके बाद एम बी ए, एम ए बी कितना आएगा? -125 किलो न्यूटन मीटर। -125, वेरी गुड, -125 किलो न्यूटन मीटर एंड बी ए +125। यस सर। देन
एमबीसी 120 किलो न्यूटन मीटर 120 किलो न्यूटन माइनस में सर, यस सर गलत है, दोबारा बताओ क्या फॉर्मूला लगाया सर, वही सर माइनस पी ए बी स्क्वायर बाई एल, माइनस पी ए बी स्क्वायर बाई एल, ए बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर होता है ना, दीपा यस सॉरी माइनस पी ए बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे पी हो गया 90 माइनस 90 इंटू ए है 1 मीटर, देन बी है 2, तो 2 × 4 डिवाइड बाय एल, एल इज 3 मीटर लॉन्ग, सो 9, ओके दिस इज 10, सो द वैल्यू इज 40 किलो न्यूटन मीटर, एंड एम सी बी इज 20 किलो न्यूटन मीटर, पी ए स्क्वायर बी बाई एल स्क्वायर, ओके सो द वैल्यू इज प्लस 20 प्लस 20 किलो न्यूटन मीटर, देन आफ्टर इन सेकेंड स्टेप यू अप्लाई स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड इक्वेशन, स्टेप सेकेंड, इन स्टेप सेकेंड स्पैन वन, स्पैन ए बी और स्पैन ए बी एम ए बी इज द फॉर्मूला, एम ए बी इज एम ए बी बार प्लस 2EI डिवाइड बाय L अंडर ब्रैकेट 2IA प्लस IB माइनस 3 डेल्टा बाय L, सो टेल मी द वैल्यू और इक्वेशन ऑफ दिस मोमेंट, हेलो हेलो सर बता, ओके पुट हियर द वैल्यू ऑफ एम ए बी, एम ए बी इज -25 -125 प्लस 2EI डिवाइड बाय एल, एल इज 5 मीटर लॉन्ग, एल इज ए बी पार्ट इज 5 मीटर लॉन्ग, दिस विल बी 0 एंड दिस इज 0, so IB, so you can write here IB, this is equation 1 and equation 2, MBA, MBA is हेलो हेलो हेलो, यस सर मेरा कनेक्शन कट गया था, ठीक है तो फिर से कनेक्ट हुआ है, अच्छा वैल्यू बताओ कितना था, एक मिनट कॉल आ रहा, देखते हैं क्या है,
हेलो यस, ये अनीता देवी कौन है? धारणी धारणी है, हो सकता है सर, उसको बोलो कि अपना नेम चेंज, अच्छा धारणी चेंज कर लिए, धारिन लिखिए, धारिन सर, वो एडिट करने में टाइम लगता है ना। अच्छा ओके ठीक है, चलो इसमें वैल्यू क्या क्या था, वैल्यू तुम्हारा निकल सर एम ए बी का वैल्यू बताएं सर। हाँ स्पैन के लिए, स्पैन ए बी में हम निकाल रहे थे, स्पैन ए बी में वैल्यू निकाल रहे थे, कौन सा वैल्यू? मेरा वैल्यू निकल रहा था स्लोप डिफ्लेक्शन के लिए एम, एम ए बी निकल रहा था, तो इसका फॉर्मूला क्या था, एम ए बी बार प्लस टू ई आई डिवाइड बाई एल टू आई ए प्लस आई बी माइनस थ्री डेल्टा बाई एल, सो द वैल्यू इज, इक्वेशन इज क्या है, इक्वेशन वैल्यू माइनस 125 प्लस टू ई आई डिवाइड बाई एल, एल इज 5 इंटू दिस विल बी कैंसिल आउट एंड ऑल्सो दिस इज 0 सो आई बी ओके वन, एंड फॉर इक्वेशन टू बी ए, बी ए इज एम बी ए बार प्लस टू ई आई डिवाइड बाई एल टू आई बी ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, जो पहले लिखा होगा उसी को पहले टू के साथ करना ठीक है, अगर टू के आई ए है तो टू ए होगा, टू आई ए होगा, अगर बी है तो टू आई बी होगा ठीक है, आई यस ए माइनस थ्री डेल्टा बाई एल ओके, सो दिस विल बी कैंसिल आउट 0, दिस इज 0 एंड द वैल्यू ऑफ आई बी इज something and the value of MBA is 125 plus 2 EI divided by L is 5 so 2 4 IB okay, this is equation 2 and for span BC, span BC M BC, MBC is MBC bar plus two EI divided by L bracket two IB plus IC minus three delta by L. So put the value ऑफ एन एम बी सी कितना है, 20 एम बी सी का वैल्यू है -40 यस सर -40 न्यूटन -40 ओके टू ई आई डिवाइड बाय एल, एल कितना है 3 3 and MCB equal to MCB bar plus 2 EI divided by L bracket 2 IC plus IB minus 3 delta by L okay, so put the value of MCB is plus 40 na plus 20 yes sir plus 20 plus 20 okay, so this is 0 and this is also 0 so 2 EI by 3 into IB
देन अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन एट पॉइंट बी बिकॉज बी इज द ज्वाइंट. सो अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन equilibrium condition at joint B. So M BA plus M BC equal to 0. Tell me the value of EIB. Final value. हेलो सर बता कैलकुलेट करो. हेलो सो द इक्वेशन इज बी ए इज प्लस 125 प्लस 4/5 ई आई आई बी देन माइनस 40 प्लस 2/3 ई आई आई बी इक्वल टू 0. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई आई आई बी? माइनस 39.90. माइनस 30 क्या बोल रही है? माइनस 39.8490 39.90 कैसे आ जाएगा? ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ई आई आई बी. पुट दिस वैल्यू इन ऑल मोमेंट्स. सो पुट द वैल्यू ऑफ हियर, पुट वैल्यू हियर एंड हियर. So MAB, MAB. So MAB, MAB is minus 125 plus 2/5 EIIB. 2/5 EIB value is minus 39.84. Tell me the value. Hello. Sir, bata. Okay, tell. -140.936 140.3 sorry 936 94
किलो न्यूटन मीटर. ओके एंड देन टेल मी द वैल्यू ऑफ एम बी ए. एम बी ए द इक्वेशन इज 125 प्लस 4/5 इंटू आई बी ई आई बी. द वैल्यू ऑफ ई आई बी इज -39.84. So the equation is, what is the 19.1. What is the final value? Yes, 93.12 Okay. And the value of MBC. The value of MBC is -40 plus 2/3. And the value of EIB is -39.84. So what is the final value? -66.56. No, wrong. Sorry. This is 4/3. 4/3 BC. BC 4/3. So the here also 4/3. Okay. 4/3. Okay, Amit, tell me. -93.1. Same value, -93.12 kilonewton meter. And the value of MCB, the equation of MCB is +20 plus 2/3. Sir, -6.56. Minus 6.56 kilonewton. Yes. Okay. These are the final moments as supports. Okay. So with the help of this moment, you can find support reaction. How you can calculate support reaction? Hello. How you can calculate support reaction? Sir, नहीं पता. नहीं पता. Bending moment लेना आता है. नहीं सर, उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है. क्या तुम लोग पढ़े हो? देखो. अच्छा है. नहीं बना हुआ है. ठीक है. This is a beam, okay, fixed at A and C and simply supported at B. This is subjected to UDL of 60 kilonewton per meter and point load 90 kilonewton at a distance 1 meter, 2 meter and this is 5 meter. Okay, I'm right. Yes. Okay. Yes, sir. So bending moment at B. B point पे bending moment लो left side में. B point पे bending moment लो left side में. तो क्या हो जाएगा? क्या लिखेंगे? ये support है तो यहाँ पे reaction होगा. ये support है यहाँ पे reaction होगा. तो VA, this is VA, VB and VC.
तो क्या हो जाएगा, वी ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? यस सर, 5 मीटर. 5 मीटर. 5 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 मीटर माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोड कितना है 60 इंटू डिस्टेंस 5 मीटर इंटू ये सेंट्रोइडल डिस्टेंस कितना ऐड करेगा, 1/L/2 पे ना, 5/2. यस सर, 2.5 वी कैन राइट. यस सर. ओके, देन माइनस ए पॉइंट पे मोमेंट कितना निकला है अभी, ए बी पॉइंट पे मोमेंट कितना निकला है, माइनस 140.94 निकला है ना. हेलो. यस सर. यस सर, सपोर्ट मोमेंट ना सर, सपोर्ट मोमेंट. तो सपोर्ट मोमेंट ही ऐड होगा. यस ठीक है, तो कितना निकला, 40.94. अभी इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा. एंड बी पॉइंट पे टोटल मोमेंट कितना था तुम्हारा बीसी के लिए, सॉरी हाँ बीए कितना था, ये 93.12 है. 93.1. बीए के लिए तब यहाँ पे वैल्यू लिख दो इक्वल टू, ये यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, ये हो जाएगा इक्वल टू 93.12. अभी बीए का वैल्यू बताओ कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, माइनस था ना किसका है, एक मिनट, माइनस ये इस साइड में लगेगा, इस साइड में ठीक है, इस साइड में लगेगा तो माइनस रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा माइनस हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, अपोज करेगा, ये माइनस हो गया. निकाल के बताओ कितना आएगा बी ए का वैल्यू. हेलो, केवल दो लोग ज्वाइन हो, सभी हट गए हैं. सर बता, बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रहा सर. अच्छा अच्छा ठीक है, तो इसका वैल्यू है 159.56. ओके वेरी गुड, 159.56 किलो न्यूटन. ठीक है, ये हो गया हमारा ए पार्ट पे रिएक्शन हो गया सपोर्ट ए पे. अभी सपोर्ट सी पे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सेम कंडीशन, जैसे बेंडिंग मोमेंट ये लेफ्ट साइड में लिया हमने वैसे राइट साइड में ले लेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट बी, बेंडिंग मोमेंट एट बी. सो हमने राइट साइड में लिया कितना हो गया, VC into perpendicular distance is 3 meter minus downward direction में load कितना लग रहा है 90 किलो न्यूटन into perpendicular distance is 1 meter and B पर यहाँ पे कितना load लग रहा है, moment कितना लग रहा है B पर, B पर लग रहा है ये minus 6, तो ये क्या है जाएगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, तो कितना हो जाएगा प्लस में, प्लस 6.56. ओके, इक्वल टू यहां पे टोटल मोमेंट कितना है बी पर, माइनस 93.12, माइनस 93.12. सो द फाइनल वैल्यू ऑफ बीसी इज, कैलकुलेट करो बताओ. माइनस 3.23.
-3.23. ओके गुड, -3.23 किलो न्यूटन. ओके -3.3 किलो न्यूटन. तो ये माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस शो कर रहा है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोड लगेगा. ठीक है, क्या शो कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तुम्हारा रिएक्शन आएगा. ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा. ठीक है, अभी हमको क्या मालूम है, वी ए मालूम हो गया, वी सी मालूम हो गया. अब हम वीवी कैसे निकाल सकते हैं, वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी इक्वल टू कितना होता है टोटल लोड. सर ऊपर से अब टोटल लोड है. हाँ टोटल लोड कितना हो जाएगा, थ्री नाइन्टी किलो न्यूटन. ओके 60 किलो न्यूटन का यूडीएल लग रहा है, 60 × 5 + 90 हो जाएगा. ओके सो वी वी इज इक्वल टू 390 माइनस वी ए प्लस वी सी. कितना आएगा फाइनल, किलो न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन एंड दिस इज ऑल्सो इन अपवर्ड डायरेक्शन. ओके सो हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, रिएक्शन कैलकुलेट किया. अच्छा इस क्लास के बाद तुम्हारा एक लैब है जो अभी उज्ज्वल सर कराएंगे. ठीक है, हेलो. यस सर. तो तुम लोग अभी अटेंडेंस बना लो, मैं अभी अटेंडेंस क्रिएट कर रहा हूँ, अटेंडेंस बना लो, उसके बाद उज्ज्वल सर ज्वाइन करेंगे 5 मिनट बाद. ठीक है, तो मैं इसको स्टॉप करूँ. यस सर. ओके तो लेफ्ट मत करना, मैं अटेंडेंस बना रहा हूँ तुम लोग का. हेलो. यस सर. क्यूआर कोड शो हो रहा है? नो सर. अभी देखो यस सर.
ओके ठीक है, अटेंडेंस बना दूं, उसके बाद फिर जब नेक्स्ट ज्वाइन करोगी तो उसमें लाइव होगा अभी, ठीक है, दो मिनट बाद। सर हम लोग का कॉलेज कब खुलेगा? उन लोग का अटेंडेंस हो गया है? यस सर बना लिए। अच्छा ठीक है, कॉलेज ओपन हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। सर इंटर्नशिप कहाँ करे, कैसे करे समझ में नहीं।